हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेवंस किचन में। तो आज हम बैगन का भरता कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। हरी मिर्च, लहसुन, बैगन अब हम इसे चाकू की मदद से काट लेंगे और जो कटे हुए पार्ट है उसमें लहसुन और मिर्ची भर देंगे। अब हम बैगन को हाई फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। अब हम बाकी बैगन को भी ऐसे ही भरेंगे और ऊपर से थोड़ा राई का तेल लगा देंगे और इसे भी गैस पे हाई फ्लेम पे रख देंगे। हमारा जो पहले वाला बैगन है वो नीचे से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे, दूसरे वाले को भी पलट देंगे। अब हम धीरे धीरे बैगन के छिलके को निकाल देंगे। अब हम बैगन को फोक से मैश कर देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे, उसमें जीरा, कांदा, हरी मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और टमाटर डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें देगी मिर्च और मैगी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए बैगन भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ढक करके रख देंगे। तो लो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका हमारा बैगन का भरता।